अगर आपकी भी आमदनी है लेकिन पता नहीं क्यों आपके घर में बरकत नहीं होती है, हमेशा पैसों की किल्लत बनी रहती है, तो आपको माँ लक्ष्मी के चरणों में सबसे पहले कौन सी वो महत्वपूर्ण चीज रखनी चाहिए, आइए जान लेते हैं हम सीधे पंडित जी से। तो पंडित जी, कई लोगों की शिकायत होती है कि आमदनी अठन्नी है, खर्चा रुपया है, बरकत भी नहीं है, किल्लत बहुत ज्यादा होती है पैसों की, तो ऐसे लोगों को श्री लक्ष्मी के चरणों में सबसे पहली चीज क्या अर्पित करनी चाहिए? देखो, ऐसा है, कलयुग हो या त्रेता रहा हो या द्वापर रहा हो, सतयुग को छोड़ दो, तो सारे युग में लक्ष्मी की प्रधानता रही है। और यहाँ तक कि देवराज इंद्र से भी एक बार लक्ष्मी जब रूठ गई थी तो देवराज इंद्र दरिद्र हो गए थे, और देवराज इंद्र जब लक्ष्मी विहीन हो गए थे तो नाना प्रकार के दुर्दशा से ग्रस्त हो गए थे। उन्होंने जा करके ब्रह्मदेव की, ब्रह्मा की उपासना की। ब्रह्मा ने उन्हें महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए एक मंत्र बताया, और ब्रह्मा ने इंद्र से कहा कि इस मंत्र का 10 लाख जप करोगे तो महालक्ष्मी प्रसन्न होकर के पुनः तुम्हें इंद्रासन प्रदान करेंगी। तो ब्रह्मा के कहने पर इंद्रदेव ने ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐम कमल वासिन्ये स्वाहा इस मंत्र का 10 लाख जप किया, हवन तर्पण मार्जन किया, तब जाकर के महालक्ष्मी की फिर से उनके ऊपर कृपा हुई। ये मंत्र श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अंतर्गत आता है। अब लक्ष्मी रुष्ट क्यों हुई थी उनसे? तो लक्ष्मी रुष्ट इसलिए हुई थी कि उन्होंने दुर्वासा के द्वारा दी हुई एक माला, जो लक्ष्मी जी ने दुर्वासा को दी थी, उस माला को दक्ष प्रजापति ने अपने पत्नी के साथ शयन करते समय उस माला को रौंद दिया था, और वो माला बाद में इंद्र के हाथ में आई, इंद्र ने उसे अपने एरावत हाथी के माथे पर डाल दिया था। उस माला का जो अपमान हुआ था, इससे लक्ष्मी जी रूठ गई थी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे लक्ष्मी जी रूठती हैं। पहले तो ये जान लो कि लक्ष्मी को मनाओगे बाद में, लेकिन रूठती कैसे हैं लक्ष्मी, इसको जान लो। जो व्यक्ति अपने माता पिता का अपमान करता है उससे लक्ष्मी रूठती है, जो अपने भाई बहनों के हक को हड़पता है उससे लक्ष्मी रूठती है, जो अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करता है, पत्नी के साथ विश्वासघात करता है उससे लक्ष्मी रूठती है, जो स्त्रियां अपने पति के साथ विश्वासघात करती हैं उनसे लक्ष्मी रूठती हैं, जो लोग अपने कन्याओं का आदर नहीं करते हैं और कन्याओं को भार समझते हैं, कन्याओं का अपमान करते हैं, कन्याओं के साथ भेदभाव करते हैं, उनके ऊपर लक्ष्मी रूठती हैं, और जो लोग पैसे को दुर्व्यसन में खर्च करते हैं, दुर्व्यसन का मतलब जुआ सट्टा शराब और अनितिपूर्वक मार्गों में जो लोग धन को व्यय करते हैं उनसे लक्ष्मी रूठती है। अगर इन सब कुमार्ग पर आदमी न जाए तो लक्ष्मी के रूठने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि देवी भागवत में लिखा हुआ है कि अपराधो भवत्येय तनयस्य पदे पदे को परह सहते लोके केवलम मात्रम बिना। संतान तो कदम कदम पर अपराध करता है, ठीक है, लेकिन माँ ही एक ऐसी शक्ति है जो उसके सारे अपराधों को भूल करके उसे क्षमा करती है। कुपुत्रो जाए तो कचदब कुमातान भवती, ऐसा वर्णन आता है। और कहते हैं कि यस्यास्त वित्तम सनरो कुलीनः स पंडितः सचैव वक्ता। जिसके पास लक्ष्मी है वही सबसे कुलीन है, वही सबसे बुद्धिमान है, वही सबसे अच्छा है। तो आप भी महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए किसी भी शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने लक्ष्मी यंत्र रखें, और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा माने चित्र रखते समय ध्यान रखें कि उसमें कमल का फूल पर लक्ष्मी हो, उल्लू उनके साथ न हो। नहीं तो लक्ष्मी उल्लू वाले से आएंगी तो बहुत तेज आपके पास, लेकिन आपका दिमाग भी उल्लू बन जाएगा, ये बात समझ के रखिएगा। उलूक वाहिनी लक्ष्मी आती हैं तो उनका धन का भंडार तो बढ़ जाता है, लेकिन उस घर के रहने वाले लोगों की बुद्धि भी संकुचित हो जाती है,
और लक्ष्मी यंत्र के सामने अखंड दिया जलाइए और दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर एक बड़ी सी पीतल की थाली में यंत्र को रख करके उसका अभिषेक करें। ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजतस्त्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो मयावह ओम तामहयावह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीम यस्या हिरण्यम बिंदेयम गामस्व पुरुषानहम अश्वपूर्वाम रसवध्याम हस्तिनाद प्रमोदिनीम श्रीम देवीम पहुय श्रीरमाम देवी जूस्ताम। कहने का मतलब है कि दूध से, दही से, घी से, गन्ने के रस से, शहद से, सारी चीज़ों से दक्षिणावर्ती शंख में भर करके और महालक्ष्मी का श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए अभिषेक करना चाहिए। फिर शुद्ध जल से अभिषेक करके साफ कपड़े से पहुँच कर चांदी के सिंहासन पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर लक्ष्मी यंत्र स्थापित करना चाहिए और उस पर कलावा, हल्दी, अखंडित चावल, कुमकुम, सिंदूर, लाल फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, ये सब चीज़ें उन्हें चढ़ानी चाहिए और माँ लक्ष्मी को लाल झंडा और लाल चुनरी भी चढ़ानी चाहिए। माँ लक्ष्मी की पूजा के बाद लक्ष्मी यंत्र को अगर आप चाहें तो अपने ध्यान स्थान या गले में भी रख सकते हैं, लेकिन अगर घर में पूजा कर रहे हैं तो उसे पूजा स्थान में ही रहने दें। नित्य इस तरह की प्रातः सायं जो लोग पूजा करते हैं उनको आर्थिक संकट से मुक्ति मिलती है और जहाँ भी पूजी लगाते हैं, जहाँ भी पैसा लगाते हैं वहाँ से लाभ मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय माँ विंध्यवासिनी।